तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने बीटेक किया है या फिर आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं तो क्या आप उसके बाद एमएससी परस्यू कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या स्टेप्स रहेंगे और क्या क्या बातें आपको जाननी जरूरी है। इस वीडियो में एक जनरल डिस्कशन करने की बजाय मैंने इसे क्वेश्चन से फॉर्मेट में रखा है, जहाँ पर मैं कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर सोच रहे हैं एमएससी करने के बारे में तो आप एक पक्का इरादा बना पाएं कि आपको एमएससी करनी है या नहीं करनी। और मैं लास्ट में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आपको एमएससी के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। तो हमारा टॉपिक है एमएससी आफ्टर बीटेक, इज इट पॉसिबल, इफ यस देन हाउ। तो पहला ही क्वेश्चन है नेचुरल सा कि कैन आई डू एमएससी आफ्टर बीटेक। तो ऑब्वियसली मैंने अगर पूरा वीडियो ही बनाया इस टॉपिक के ऊपर तो हाँ, इसका आंसर यस है, आप एमएससी कर सकते हैं बीटेक के बाद। तो अगला नेचुरल सा क्वेश्चन आपका होगा कि कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू इट। तो इसका एक बहुत सिंपल आंसर है, एक एग्जाम लिखकर आप अपनी एमएससी का जो सफर है वो शुरू कर सकते हैं। उस एग्जाम का नाम है आईआईटी जैम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। तो आईआईटी जैम आप क्रैक करके अगर उसमें एक अच्छी रैंक लेके आते हैं तो आप अपनी एमएससी परस्यू कर सकते हैं। कुछ और सिमिलर से भी एग्जाम है जिनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम का जो है वो सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि जैम लिखने के लिए वो इशू नहीं है। जैम क्रैक करने के बाद जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एमएससी में एंट्रेंस के लिए, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए 2021 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ हुआ करता था। जैसे आपको एमएससी फिजिक्स में करनी है तो एलिजिबिलिटी ये कहती थी कि आपने 4 सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए अपनी अंडर ग्रेजुएशन में, यानी कि अगर आप बीएससी थे तो आप तो 4 सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ेंगे। अब तो प्रॉब्लम बीटेक वालों के साथ ये आती थी, हम इंजीनियर्स के साथ, कि अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 4 सेमेस्टर में पढ़े हैं उनको किस सब्जेक्ट को, उनमें से किस सब्जेक्ट को कोई कमिटी फिजिक्स में काउंट करेगी या नहीं करेगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स सबने पढ़ी होती है तो क्या वो फिजिक्स में काउंट होगा या इंजीनियरिंग में। सपोज आपने पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, BEE EEE नाम से एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, तो वो फिजिक्स में काउंट होगा या इंजीनियरिंग में, ये कौन डिसाइड करेगा। अब ये जो बात है ये कॉलेज टू कॉलेज, कमिटी टू कमिटी क्या करती है, डिफर करती है। जैसे आपने किसी IIT में अप्लाई किया तो बहुत साल ऐसा होता है कि 2016 में आपकी 200 रैंक आई जैम में, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला काउंसलिंग में। 2017 में आपने दोबारा जैम लिखा, आपकी 400 रैंक है, बुरी रैंक है, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि 2016 में कमेटी में कौन मेंबर्स थे, प्रोफेसर ही होते हैं तो उनका बायस इसमें आ जाता है कि वो आपके सब्जेक्ट्स को फिजिक्स में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब वो आपको एलिजिबल मानते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी लफड़ा होता था पहले 2021 के पहले, बट 2021 के बाद इंजीनियर्स के लिए इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया गया है। अभी जो 4 सेमेस्टर या इतने सेमेस्टर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो, मैथ्स पढ़ी हो, उसको हटा दिया गया है, तो सारे इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। तो ये कहना सेफ होगा कि 2021 के बाद अगर आप जैम दे रहे हैं कि 2022 में या 2023 में आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एमएससी करना कंपेरेटिवली आसान होगा, राइट। अच्छा, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रह गया है, वो कॉमन है कि आपकी बीटेक में 55% एग्रीगेट होनी चाहिए, वो पहले भी था अभी भी मेंटेन है और इतनी होती भी है सबकी अगर आपने बिना बैकलॉग्स के पास करी है बीटेक तो। इज देयर एनी एज लिमिट फॉर एंट्रेंस टेस्ट इन एमएससी। नहीं, बिल्कुल नहीं, 30+ वालों को भी मैंने देखा है एमएससी में एडमिशन लेते हुए। यूजीसी नेट में आई थिंक एग्जाम में 28 होती है जनरल के लिए, बट ये जैम वगैरह के अंदर और बाकी जो एग्जाम से सिमिलर एग्जाम्स उनमें कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम जैसे कि गेट हो गया, कोई एज लिमिट नहीं होती है, राइट। वॉट आर दी बेनिफिट्स ऑफ कंसिडरिंग एमएससी ओवर एमटेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने बीच में रखा है। देखिए, ये आपके दिमाग में सवाल आना भी चाहिए, और आपके दिमाग में नहीं आएगा तो वो आपके कलीग्स, आपके एक्वेंटेंसेस या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी आपसे सवाल पूछेंगे कि एमटेक के ऊपर एमएससी क्यों। आपने बीटेक किया है तो नेचुरल सा पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए एमटेक होना चाहिए, या अगर आपको कॉरपोरेट में जाना है तो एमबीए होना चाहिए। एमएससी तो बिल्कुल लीक से हटने वाली बात हो जाती है। तो मैं पहला बेनिफिट बताता हूँ कि अगर बचपन से आपका सपना था आईआईटी में पढ़ना तो एमटेक के मुकाबले एमएससी में आईआईटी में पढ़ना ज़्यादा आसान है, ठीक है। गेट में आप जानते हैं कितनी मारा मारी है, तो अगर आप एमएससी के थ्रू अगर जैम का एग्ज़ाम लिख के जाते हैं तो आईआईटी क्रैक करना कोई बहुत बड़ा मतलब बड़ा सवाल नहीं है, बड़ी कोई बात नहीं है। एमटेक के लिए आपको गेट की प्रिपरेशन 1-2 साल तक करनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, बट मैं इंश्योर कर सकता हूँ एमएससी में अगर आप थोड़ा सा भी आपके प्लस टू के कंसेप्ट क्लियर हैं, आप बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से एमएससी में इतनी अच्छी रैंक ला सकते हैं जैम में कि आपको आईटी से एमएससी करने का मौका मिले, राइट। टॉप इंस्टीट्यूट से आईटी मद्रास, आईटी दिल्ली, आईटी मुंबई जैसे कॉलेजेस। तो पहला बेनिफिट तो यही है।
दूसरा बेनिफिट है लव फॉर सब्जेक्ट। मान लो आपको फिजिक्स में एमएससी करनी है और आपको इंजीनियरिंग के बाद भी ये फील होता है कि आपको फिजिक्स से ही प्यार है, प्योर साइंसेस में जाना है। इंजीनियरिंग में हर चीज़ अप्लाइड होती है, ठीक है, अब आपको एप्लीकेशन नहीं पढ़नी, आपको प्योर प्रिंसिपल पढ़ना है, तो प्योर साइंस के लिए एमएससी एमटेक से लाख गुना बेटर है। ठीक है, एमटेक में सब कुछ अप्लाइड, मतलब अगर आप फिजिक्स में एमटेक करोगे तो सब कुछ अप्लाइड होगा, फिजिक्स में एमएससी करोगे तो प्योर साइंस पढ़ने को मिलेगी। तीसरा जो बेनिफिट है वो है कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है या टीचर बनना है तो भी एमएससी ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है एमटेक के मुकाबले। अगेन मैं सेम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये मत कहना कि सर हम एमटेक टेक्निकल में कर रहे हो तो उसको आप एमएससी से कैसे कंपेयर कर रहे हो, है ना। मैं एमटेक में मतलब ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप एमएससी फिजिक्स में करें या एमटेक करें फिजिक्स में, राइट। तो फिजिक्स में एमटेक करने से बेटर हमेशा एमएससी ही होगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में भी अप्लाई करोगे तो एमएससी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। चौथा और जो आखिरी रीज़न है मेरे हिसाब से वो ये है, एमएससी थोड़ा सा ईजी होता है एमटेक के मुकाबले। मतलब जैम का जो एग्ज़ाम है वो गेट से कहीं ज़्यादा ईजी होता है, वहीं एमएससी जो आप कॉलेज में करते हैं 2 साल वो भी एमटेक के मुकाबले ईजी होती है। एमटेक को बहुत से लोग बैकअप ऑप्शन की तरह लेते हैं कि भाई चलो जॉब नहीं लग रही, गेट की तैयारी करते रहते हैं, अभी तो जो कॉलेज मिल रहा है एमटेक में एडमिशन ले लो, ठीक है। तो बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं कि भाई उनका गेट में अच्छी रैंक आ गई, पीएसयू मिल गया या जॉब मिल गई। तो एमटेक बेसिकली करना आप भी नहीं चाहते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग प्रेशर भी करते हैं कि हाँ चलो बैकअप ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर केस में भी अगर आप एमएससी की बात करें तो एमएससी इतना लाइट करिकुलम है कि अगर आपकी जॉब लगने के बाद भी कॉलेज अलाउ करता है तो आप एमएससी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेरे हिसाब से बेनिफिट्स हैं एमएससी के एमटेक के ऊपर। और आपको एक सवाल अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि एमएससी के बाद जो करियर ऑप्शंस मिलेंगे क्या आप उनके लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। कई बार क्या होता है लव फॉर सब्जेक्ट ये इनफ नहीं है, एमएससी के बाद आपको जिस तरह की जॉब्स मिलेंगी वो ज़्यादातर टीचिंग ओरिएंटेड होगी या फिर रिसर्च फील्ड में होगी, राइट। एमटेक में कहीं ना कहीं आपको एक कॉर्पोरेट वाला बेनिफिट मिलता है कि आप कॉर्पोरेट्स में जाके बाकी के काम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगर आप कंफर्टेबल हैं एमएससी के बाद की लाइफ से तो बेटर है। एक लास्ट बेनिफिट में बताना भूल गया कि अगर आपको पीएचडी करनी है तब भी एमएससी ज़्यादा सूटेबल है एमटेक के मुकाबले, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स मेरे हिसाब से हो सकते हैं एमएससी चूज करने के लिए। लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा तो उसको जरूर सुनना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि वी आर इन फाइनल ईयर ऑफ बीटेक, कैन वी अपेयर इन जैम। यस, ये जो आईआईटी जैम है ये फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, गेट के आसपास ही होता है, और इसके जो फॉर्म्स है सेप्टेम्बर में आ जाते हैं, तो आप अगस्त से ही थोड़ा सा अलर्ट रहें, फॉर्म ज़रूर फिल करें, ठीक है। शायद 1500 रुपये समथिंग का फॉर्म होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैम और गेट का पेपर कई बार एक दिन भी होता है। मैंने अपने फाइनल ईयर में क्या किया था, गेट मैकेनिकल से दिया था और जैम मैथमेटिक्स में दिया था, राइट। मेरा दोनों एग्ज़ाम आईटी करवाती है, मेरा एग्ज़ाम एक ही दिन था, गेट का सेंटर कोटा में था, राइट, मॉर्निंग वाला सेशन, और जैम का सेंटर जयपुर में था, इवनिंग वाला सेशन सेम डे। तो मैं एक दिन में तो तीन या चार घंटे के गैप में तो दूसरी सिटी नहीं जा सकता, और जयपुर काफ़ी दूर है। तो फिर मैंने आईटी दिल्ली मेल किया, उन्होंने मेल का रिस्पॉन्ड करके अगले दिन कॉल किया और मुझे इंश्योर करा कि वो मेरा गेट का सेंटर चेंज कर देंगे, और उन्होंने जयपुर में मेरे सेंटर आमने सामने वाले कॉलेजेस में ही दिए, मतलब यहाँ से निकल के सामने वाले गेट में जाना है। तो दोनों जो मेरे पेपर थे उनका टाइमिंग अलग अलग दिया और एक ही जगह सेंटर दिया, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। फिर मैंने जयपुर में जाके एग्ज़ाम दिया। तो ये थोड़ा सा आप सोच समझ के ही फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि दोनों की डेट्स भिड़ जाती हैं, सेम डे भी एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आईटी आपकी हेल्प जरूर करेगी, आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, आर देयर एनी अदर सिमिलर एग्जाम्स। मान लो जैम है तो बैकअप ऑप्शन है, जैसे आप आईटी जेई आपने दिया होगा, है ना, तो जेई के अलावा एमएसटी सीईटी कॉमेड के WBJEE, तो अपन ये एग्जाम्स देते थे बैकअप ऑप्शन के लिए, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, वैसे नेशनल लेवल पे जेस्ट और गेट और एक TIFR, ये तीनों एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों एग्जाम्स को भी दे सकते हैं, ये सिमिलर सही एग्जाम है। जस्ट बेसिकली अच्छा एग्जाम है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए, और जो TIFR है वो टाटा इंस्टीट्यूट यानी कि टाटा का कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसका एग्जाम काफ़ी जल्दी होता है, दिसंबर के आसपास होता है। तो अगर TIFR देना है तो थोड़ा पहले अलर्ट हो जाइए, फॉर्म्स एक तो ऐसा ना हो कि आके निकल जाए, ठीक है। और TIFR का लेवल अब बिट हार्डर होता है जैम से, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग से एग्जाम से जो आप दे सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं। वॉट इज़ द लेवल ऑफ एग्जाम, या मैं जैम की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ईजी होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हलवा है, लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि सर जैम तो BSc वाले देते हैं, तो BSc की हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है घंटा, ठीक है, प्रॉपरली कहूँगा घंटा, 75% जो सिलेबस है जैम का 70-75 वो प्लस टू लेवल का ही है, यानी कि आपके प्लस टू के कंसेप्ट अच्छे हैं, और अगर आपने कभी एक साल ड्रॉप दिया था IIT JEE के लिए तो आपका 70-75% जैम ऑलरेडी क्लियर है।
ठीक है, आपको सिर्फ उनको रिवाइज करना है। हाँ, 20-25% जो सिलेबस है वो बीएससी से आता है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना देखा होगा, बट अगर आप 2 या 3 महीने की सेल्फ स्टडी करें तो हाँ आप उसे क्रैक कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ एग्जाम में ये नहीं कहूँगा कि हार्ड है, ठीक है, तो यस यू कैन क्रैक इट इन योर फाइनल ईयर, और आप अंडर 300 एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। राइट, विच इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट जैम स्कोर? सारी IITs जहाँ पर MSc के एग्जाम्स हैं, सारी NITs जहाँ पर MSc के कोर्सेज होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि लक्ष्मी निवास मित्तल जयपुर, तो इस तरीके बहुत सारे कॉलेजेस, खासकर तो IITs और NITs ही आपका टारगेट होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करते हैं जैम के स्कोर को। राइट, तो सारे टॉप कॉलेजेस में आपको जैम स्कोर एक्सेप्टेड मिलेगा। देखिए, जैम का स्कोर एक्सेप्ट होना और इंजीनियर्स को एक्सेप्ट करना दो अलग बातें हैं। IITs NITs में जैसा कि मैंने कहा कि वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिलैक्स कर दिया, बट प्राइवेट कॉलेजेस का अपना एक बायस होता है कि भाई हमें इंजीनियर्स नहीं चाहिए MSc के प्रोग्राम में, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ऑल दो आपके पास एक जैम का वैलिड स्कोर, अच्छी रैंक हो सकती है, बट वो फिर भी आपको डिनाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कैन वी परस्यू इंटीग्रेटेड PhD आफ्टर BTech? इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, जेस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, जैम के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस होते हैं, MSc और PhD इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको PhD करनी है टीचिंग के हिसाब से। राइट, आर देर एनी इंटरव्यू राउंड्स आफ्टर रिटन टेस्ट इन जैम? मोस्टली नो, बट कुछ कॉलेजेस का जैसा कि मैंने कहा अपना बायस होता है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आप उनसे कहते हैं कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए और मैं वर्दी हूँ एडमिशन का, आपने उतनी लेवल की पढ़ाई करी है, ठीक है, तो कॉलेज हो सकता है कि अपने लेवल पे आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जिसमें वो आमने सामने बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाँ क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो इंटरव्यू मोस्टली नहीं होता है, बट कुछ कॉलेजेस का अपना एक प्रोसीजर हो सकता है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। डू वी नीड टू टेक कोचिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैम? जैसा कि मैं कह चुका हूँ नहीं लेनी है, ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप लेना चाहें तो बहुत सारी कोचिंग मार्केट में अवेलेबल, नोट्स अवेलेबल है, नोट्स आप जरूर खरीद सकते हैं, कंसिडर करें। देखिए, जैम का सिलेबस समुद्र है, अगर आप खुद से पढ़े हैं तो उसको शॉर्टलिस्ट करने में रात पड़ जाएगी, तो अगर कोचिंग के नोट्स आपको मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट कोचिंग लेना प्रॉपर मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं होगा, वो भी जब आप फाइनल ईयर में हैं, बीटेक करके ले रहे हो तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, बट फाइनल ईयर में इतना एम्पल टाइम होता है लास्ट में प्रोजेक्ट्स के साथ कि आप तैयारी खुद से कर सकते हैं, 2-3 महीने की सेल्फ स्टडी बहुत है, पास्ट ईयर के पेपर्स मेरे हिसाब से इनफ होते हैं, ठीक है। ये मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के मामले में मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ सिमिलर सा ही लेवल होता है। वॉट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन जेम? बहुत सारे होते हैं बट मेनली तुम्हारे काम के 3 ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट, तीनों में से कोई हम लिखेंगे। चौथा एक और सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये जो तुम डेटा पढ़ते हो ना मार्केट में, कितने परसेंट लोग इतना इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तुम रिसर्च और डेटा आता रहता है अखबारों में, वो यही लोग निकालते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाले, और काफ़ी अच्छी इसमें जॉब्स निकलती है, काफ़ी अच्छी सैलरी वाली, तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है, बट PCM ये चारों होते हैं। उसके अलावा जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इंजीनियर्स को जनरली इसमें फ़र्क, इन सब्जेक्ट्स में जो फर्क है वो नहीं पड़ता है, तो मेरे हिसाब से तो PCM ही आपके हिसाब से है, बाकी इसमें सब्जेक्ट्स काफी सारे हैं, 6-7 पेपर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसी के ऊपर है, कैन आई गिव जैम फॉर 2 सब्जेक्ट्स? बिल्कुल, जैसे मुझे मैथ्स और फिजिक्स दोनों से प्यार है तो मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। इसमें एक ही कंडीशन है कि आपने जो भी पेपर चूज किए हैं वो एक सेशन में नहीं होने चाहिए, यानी कि उनका पेपर, उनका एग्जाम एक टाइम पे नहीं होना चाहिए, वरना आप किसी एक में ही अपियर हो पाओगे, आपके फॉर्म के पैसे बेकार जाएंगे। हमें कैसे पता पड़ेगा? फॉर्म भरते टाइम वो दिखा देते हैं कि हाँ आप इन इन सेक्शंस में से 2 चॉइसेस को चूज कर सकते हो, मतलब ये पेयर अवेलेबल है, तो मैथ्स और फिजिक्स अवेलेबल होता है, आप दे सकते हैं बिल्कुल 2 सब्जेक्ट के लिए, फॉर्म की फीस भी फिर उसी हिसाब से बढ़ जाती है, ठीक है, तो हाँ आप दे सकते हैं सब्जेक्ट्स, मतलब आपको एक बैकअप ऑप्शन दे रहा हूँ कि सर एक तो मैं मैथ्स में दे रहा हूँ, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से देता हूँ, हो सकता है नया फील्ड हो तो आप दे सकते हैं, सिलेबस आपको देखना होगा उनका। राइट, अब एक लास्ट जो क्वेश्चंस खत्म होने के बाद है मेरा ओपिनियन। देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस हमने देखे, इसमें आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई जैम का लेवल इजी है, ये सारी बातें हैं, कंपटीशन कम होता है गेट के मुकाबले, ऑब्वियसली बहुत कम होता है, तो मेरा ओपिनियन क्या है? मेरे ओपिनियन में जो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैम जो एग्ज़ाम है ये कोई बहुत मेजर एग्ज़ाम नहीं है, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छुपा छुपा सा है, और वो होता है ना कि कंपटीशन के लेवल पर अगर आप बात करो तो गेट से वे 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 इजियर है। राइट, ज्यादातर लोगों के क्लास 11th या 12th में कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैं उस चीज़ को ही बिल्कुल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार इंजीनियरिंग के बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप BTech में 4 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और बीच में बहुत से बच्चे होम ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते थे बीच में थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, तो एक होता है ना कि आपका सब्जेक्ट से एक लिंक बना रहता है, अगर ऐसा है
तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में एमटेक से बेटर एमएससी रहेगी। एमएससी के बाद एक अच्छी जॉब आप लैंड कर सकते हैं ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे बायजूस अनअकैडमी, तो बम्पर मतलब लपक के सेल्स निकाल रहे हैं, जॉब्स निकाल रहे हैं सेल्स में भी, अकेडमिक स्पेशलिस्ट में भी और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में भी, तो ये भी है। और बहुत सारी एडटेक कंपनीज एमएससी वालों को प्रेफर कर रही है, और जॉब्स भी जो है इंजीनियरिंग से काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। एवरेज पैकेज अगर आप एडटेक इंडस्ट्री में देखो तो 6 से 8 लाख का है, जो कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से तो काफ़ी ऊपर ही है। दूसरा मेरा ओपिनियन ये है, ये ध्यान से सुनना, अगर आप अपने इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहे हो, ठीक है, 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग अच्छी गई है बिना बैकलॉग्स के, आपकी सीजीपी अच्छी मेंटेन्ड है, जॉब्स और प्लेसमेंट भी आपकी ब्रांच में है, जैसे सीएसए इलेक्ट्रिकल से हो तो काफ़ी अच्छी जॉब्स अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से आपको एमएससी से बॉदर नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्म भी फिल नहीं करना चाहिए, मैं पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए आप अपना ध्यान ना भटकाएं, अगर आपका टारगेट गेट है या पीएसयू में कहीं जॉब करनी है तो एमएससी के चक्कर में अपना ध्यान ना भटकाएं, क्योंकि देखिए तैयारी में काफ़ी डिफरेंस है। टेक्निकल पढ़ना और किसी प्योर साइंस के लिए पढ़ना, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर आप अपनी बीटेक अच्छे से करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो जैम के बारे में ना सोचें। तीसरा एक पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है आफ्टर लाइफ। देखिए कई बार क्या है, गेट क्रैक करने के बाद आप बहुत से टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू देखे हैं जिनकी भेल में, बीएचईएल में या ओएनजीसी में जॉब लग गई, वो छोड़ के आ गए कि भाई हमें जॉब लाइफ पसंद नहीं आई, फिर वो आके मीडीज या गेट अकेडमी वगैरह में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी अच्छे पैकेजेस हैं। तो ऐसा ना हो कि गेट आपको क्रैक करना हो या आपको जैम क्रैक करने के बाद, 2 साल पढ़ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर उसके बाद की जो 30 साल की लाइफ है वो आपको पसंद ना आए तो उसको कंसिडर करके ही फैसला लीजिएगा। जैम के फॉर्म की प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तैयारी भी बिल्कुल लिमिटेड है, तो आप इसे कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बैकअप ऑप्शन की तरह आप इसको देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एमएससी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बैकअप ऑप्शन में मेरे हिसाब से अभी भी बीटेक के बाद एमबीए सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि आप एमबीए हैं तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में लग ही जाएगी। एक बार एमटेक वाला भूखा मर सकता है, एमएससी वाला मर सकता है, एमबीए वाला भूखा नहीं मरेगा। तो ये बात थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है, ये बायस है, मैं बता रहा हूँ, अगर टेक्निकल में नहीं जाना, प्योर साइंस में नहीं जाना, तो एमबीए आज भी एक अच्छा ऑप्शन है, राइट। तो एमएससी से या एमएससी के बारे में तभी सोचना जब आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से प्यार रहा हो और अभी भी आप उसको परस्यू करना चाहते हैं। आपने जो हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी थी, एमएससी उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन कैलकुलस बहुत लोगों की अच्छी होती थी, लेकिन फिर यहाँ पर लैग्रेंज थ्योरम, फोरियर थ्योरम, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं, राइट। एक और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, ये खासकर एमएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए जिनको मैथ्स में करनी है, अगर आप इंजीनियरिंग में, आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी थी, तुम्हें एमएससी मैथ्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे तुम इंजीनियरिंग में अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फॉर्म ज़रूर फिल करो। 12th की मैथमेटिक्स तुम्हारी क्लियर है और 4 सेमेस्टर की या 3 सेमेस्टर जितना भी तुम्हारे मैथ्स थी, अगर तुमने अच्छे से पढ़ी है, मैं मैकेनिकल से था, 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स थी, जैम का 95% सिलेबस तुमने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स वालों को तो फिर भी 20-25% टॉपिक एक्स्ट्रा करने होते हैं, मैथ्स वालों ने 90% 95% सिलेबस ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आपको एमएससी मैथ्स में करनी है तो बिल्कुल आपको जैम का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, आप एक बार पास्ट ईयर पेपर जरूर उठा के देखें, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। फिर क्या होता है, जैम में अगर अच्छी रैंक आ जाती है 200-250 और आपको अच्छी आईआईटीज मिल जाती है आराम से इस रैंक में, ठीक है, 400 तक क्लोजिंग रैंक जाती है आईआईटीज की, मैंने देखा है बहुत बार, तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीटेक फिर किस कॉलेज से हुई है, आपका आपके ऊपर एक बार आईआईटी का टैग लग गया तो फिर जॉब्स बहुत सारी हैं, राइट। एक और पॉइंट मैं लास्ट लास्ट करता जा रहा हूँ, बट बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी इस बारे में पढ़ा है, मैंने खुद ने जैम दिया है तो मेरी अपनी एक रिसर्च है। मेरी रिसर्च में एक पॉइंट मैंने देखा बहुत सारा कॉमन, मैंने बहुत से प्रोफेसर्स के, बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुने, उनका एक कॉमन पॉइंट है कि अगर आपने अपनी एमएससी में अच्छा परफॉर्म किया है, कॉलेज के प्रोफेसर्स की नज़र में आप हैं, तो फॉरेन से अगर आपको अब्रॉड पढ़ने की इच्छा है तो एमटेक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एमएससी आपको प्रोवाइड करेगा, ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी, बल्कि कॉलेजेस रहना खाना भी दे देते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया से जो एमएससी करके पीएचडी करने गए हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छी उन्हें एक हैंडसम जॉब मिली है और सैलरी तो देखिए कई गुना होती है इंडिया के मुकाबले। तो आपको फॉरेन में जाने का शौक है, नासा या इसरो से थोड़ा प्यार है, तो आप एमएससी फिजिक्स या मैथमेटिक्स के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो यही मेरा ओपिनियन है, बट अगर आप इंजीनियरिंग में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो ये वीडियो देख के आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको एमएससी करनी है या नहीं करनी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा हूँ पेपर के, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है, अगर आपको वो सब चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, अगर आपके पास अभी भी कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो उसे नीचे आप लिख सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि कोई मैंने टॉपिक टच किया है बट उस पर डिटेल में बात नहीं करी है तो आप वो भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।